हे गाइस, वेलकम बैक फूड एंड क्रिएटिविटी कॉर्नर। मैं रश्मि आज के वीडियो में लेकर आई हूँ पॉजिटिविटी एंड फैमिली पर मेरी अपनी बात। मिट्टी के बर्तन में दही कैसे जमाते हैं ब्लेड स्टाइल और कैसे बनाया मैंने DIY बुक कवर, तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, अब देखिए परिवार की वैल्यू क्या होती है। तो ये तो हमने कोविड के इस दौरान जान ही लिया है कि परिवार किस तरह से हमें एक संबल देता है, और जब घर में कई लोग एक साथ बीमार हो जाते हैं तो परिवार का हौसला और सकारात्मकता ही एक नई राह दिखाए। मेरे घर में भी ऐसा ही कुछ हुआ जब सारे लोग बीमार हो गए। हालांकि कोविड केवल मुझे ही हुआ था और बाकी के लोग तो अस्वस्थ हो गए थे। जैसे मेरे देवर को मलेरिया हो गया था और मम्मी जी को भी फीवर आ रहा था, पापा जी को लीवर की वैसे ही प्रॉब्लम है तो उनकी और भी तबीयत उस समय ख़राब थी। ऐसे में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी कि कैसे संभाला जाए इस सिचुएशन को। तो उस समय मेरे हस्बैंड ने और मेरे बच्चों ने मिलकर के सबको हौसला भी दिया और पूरे घर को सबकी देखरेख करना, सबको मेडिसिन देना और सबको एक हौसला देते रहना कि सब ठीक हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है, सब ठीक हो जाएगा धीरे धीरे। और ये सब ठीक होने में एक महीना लग गया। अगर परिवार साथ नहीं होता तो बहुत मुश्किल हो जाती है सिचुएशन से लड़ना। और मेरे हस्बैंड की तो मैं बात करूं तो वो बहुत ही ज़्यादा केयरिंग भी है और बहुत जल्दी घबराते नहीं हैं, सबको हौसला भी देते रहते हैं कि नहीं सब कुछ ठीक हो जाएगा। बहुत बड़ी अगर बात भी होती है तो उसको ऐसे नहीं दिखाते हैं कि नहीं मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। हालाँकि वो भी डायबिटिक हैं तो इस सिचुएशन में उन्हें अपना भी ख्याल रखना और हम सब का भी ख्याल रखा। इस दौरान मेरे बच्चों ने भी बहुत हेल्प की, और क्योंकि बच्चे और हस्बैंड ही थे घर में जो स्वस्थ थे और उन्होंने सबका ख्याल भी रखा। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि परिवार ही हमारा जीवन होता है और हम सब कहीं ना कहीं परिवार में इसी तरह से बंधे भी रहते हैं और रहना भी चाहिए। आजकल जितना भी जैसे सभी एकल परिवार की ओर जिस तरह से भाग रहे थे तो इस कोविड काल ने उन्हें संयुक्त परिवार की अहमियत बता दी कि एक ज्वाइंट फैमिली क्या होती है, ज्वाइंट फैमिली का सपोर्ट क्या होता है और अपने क्या होते हैं। ये सकारात्मक सोच और हौसले के साथ बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ और चलिए जल्दी से दिखाते हैं आपको कि आज मैंने क्या क्या किया है। तो गाइस, मिट्टी के बर्तन में जमा हुआ दही बहुत टेस्टी होता है। इसमें करना क्या है, मिट्टी के बर्तन को अच्छे से साफ कर लेना है और उसमें डालना है गर्म दूध, थोड़ा सा गुनगुना दूध लेना है और अब इसमें जामुन डाल देना है। तो जामुन डालने के बाद इसे अच्छी तरह से चलाना है। चलाने से क्या होता है कि जो जामुन है वो दूध में अच्छे से मिल जाता है और बहुत अच्छे से दही जमता है। अब बस इसे ढक करके रात भर के लिए रख दें जिससे कि अच्छे से दही जम जाएगा, बहुत टेस्टी लगता है। मेरे हस्बैंड को तो मिट्टी के बर्तन का दही बहुत अच्छा लगता है तो वो हमेशा ही गर्मियों में एक मिट्टी का बर्तन ले आते हैं और मैं ज़्यादातर मिट्टी के बर्तन में ही दही जमाती हूँ। तो देखिए कितना थिक है, बिल्कुल मार्केट जैसा दही है, क्योंकि इसमें जो पानी होता है वो जो मिट्टी का बर्तन है वो एब्जॉर्ब कर लेता है तो पतला नहीं होता है और बहुत अच्छा दही जमता है, टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। एक बार आप भी मिट्टी के बर्तन में दही जमा कर देखिएगा, अलग ही टेस्ट मिलेगा इसका। और मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपको कैसा लगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम बनाते हैं एक DIY बुक कवर। ये देखिए मैंने कपड़ा लिया है, आप कैसा भी कपड़ा ले सकते हैं, थोड़ा सा ये अच्छा ही कपड़ा है क्योंकि हमें बुक के ऊपर चढ़ाना है तो थोड़ा सा अच्छा कपड़ा होना चाहिए। ये मेरी डेली पूजा की बुक हैं और ये तेल वगैरह के हाथ लग जाते हैं तो गंदे हो जाते हैं इनके कवर और फटने का भी डर रहता है। तो इस तरह से आप कवर चढ़ा देंगे तो बहुत ही सेफ्टी रहेगी बुकों की। अब जिस भी किताब का हमें कवर बनाना है उस किताब को हम कपड़े पर रखेंगे और उसके दोनों साइड 2-2 इंच का मार्क लगाएंगे। एक बार फिर से बुक को रखेंगे उसी कपड़े के ऊपर और पूरा सा मेजरमेंट करने के बाद ही कपड़े को कट करेंगे, क्योंकि कपड़ा एक बार अगर कट हो गया तो दोबारा फिर खराब हो जाएगा कपड़ा। और मेरी तो आदत है मैं बार बार उसको चेक करती हूँ उसके बाद ही कपड़े को कट करती हूँ। तो ये देखिए मैंने दोनों साइड 2-2 इंच छोड़ दिया है। अब इस कपड़े की जो लंबाई है उसके दोनों किनारों को हम अच्छे से सिलेंगे। इसके लिए मैंने 1-1 इंच कपड़ा छोड़ा था।
तो ये देखिए मैंने कपड़े के दोनों किनारों पर सिलाई डाल दी है और एक साइड जहाँ मोड़ना है वहाँ पर भी सिलाई नहीं थी तो वहाँ पर भी मैंने सिलाई डाल दी। अब हम एक बार फिर से कपड़े पर किताब को रखेंगे और जितना हमें अंदर की तरफ मोड़ना है उसकी मार्किंग करेंगे। तो किताब को बीचों बीच रख लेंगे जिससे कि दोनों पार्ट उतने ही मेज़र हों। ये देखिए अच्छे से इतना हमें मोड़ना है तो यहाँ पर हम अच्छे से एक निशान लगा लेंगे या उसको पकड़ लेंगे और उसके बाद उस पर सिलाई कर देंगे। तो ये देखिए मैंने अच्छे से पकड़ लिया है इसे, जितना हमें मोड़ना है इस पर हम कर देंगे सिलाई। सिलाई थोड़ी मजबूत डालेंगे जिससे कि वो खुल ना जाए। इसी तरह से हम दोनों तरफ सिल देंगे। ये देखिए मैंने दोनों तरफ मोड़ दिया है इसको और अब हम इसमें बुक का जो कवर है वो डाल के देखेंगे। तो बस आसानी से इसके अंदर ये चला जाएगा। तो ये देखिए इसी तरह से दोनों तरफ हम कर देंगे और हमारा बुक का कवर बन करके तैयार हो जाएगा। बहुत आसान है इसे बनाना। जिसे बहुत अच्छे से स्टिचिंग नहीं आती है वो भी इस तरह से कवर बना सकता है। तो ये देखिए बन करके तैयार हो गया है और बुक भी बहुत सुंदर लगती है। और इसे जब चाहे आप, जब गंदा हो जाए तो इसे निकाल करके आप धो सकते हैं। आप चाहे तो इस पर थोड़ी सी लेस भी लगा सकते हैं। इसी तरह से मैंने एक और बुक का कवर बनाया है। ये मेरी दुर्गा सप्तशती की बुक है। कहते हैं पूजा की बुक जो होती है वो उसे ढक करके रखना चाहिए, तो अगर कवर चढ़ा होगा तो आपको अलग से कपड़ा डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो देर किस बात की फ्रेंड्स, आप भी उठाइए कपड़ा, जल्दी से बना लीजिए। वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दीजिएगा जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो फ्रेंड्स जल्दी ही मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।